अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं ईद स्पेशल में चिकन सिजलर कबाब। बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे, बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो आपके घर में अगर मेहमान आ रहे हैं तो दावत में आप ये बनाएं तो कमाल हो जाएगा, और गर्म गर्म टेबल पे सिजलर के साथ लेके जाएं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो इसे हम बनाएंगे ईवा सनफ्लावर ऑयल में। ईवा सनफ्लावर ऑयल में विटामिन ई ज़्यादा होता है। विटामिन ई मजबूत कुव्वत मुताफिया, चमकती हुई जिल्द और मजबूत बालों की नशोनुमा के लिए फ़ायदेमंद है, और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल से पाक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चिकन का कीमा लेंगे आधा किलो। एक लार्ज साइज की मैंने प्याज ली है कटी हुई, 3 अदद लार्ज साइज़ की हरी मिर्चें ली हैं, 1 अदद टमाटर लिया है स्लाइस में कटा हुआ। पेपरिका पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, धनिया पाउडर लेंगे 1 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, नमक लेंगे 1 टीस्पून, प्याज लेंगे ग्रेट किए हुए स्मॉल साइज़ का एक, ठीक है, ग्रेट किए हुए प्याज लिए हमने। अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे हम 1 टेबलस्पून। तो ये चीज़ें चाहिए हमें कबाब के लिए। तो कीमे में हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज, नमक, पेपरिका पाउडर, नहीं है तो मत डालें, धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके हम छोटे छोटे से कबाब बनाते जाएंगे। आपकी मर्ज़ी, आप जितने साइज़ के बनाना चाहते हैं बना लें, ठीक है। बना के हम प्लेट में रखते जाएंगे, इसी तरह सारे बना लेंगे। अगर हाथ पे चिपक रहा है तो थोड़ा सा ऑयल लगा लें, ठीक है। तो कबाब हमारे रेडी हैं, तो अभी नहीं हम शैलो फ्राई कर लेते हैं। एक पैन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें हम डाल देंगे ईवा सनफ्लावर ऑयल 2 टेबलस्पून। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है तो अब इसमें हम कबाब रखते जाएंगे। तो अब इनकी साइड भी चेंज करेंगे। तो एक तरफ हमारे कबाब फ्राई हो रहे हैं और दूसरी तरफ हम सिज़लर को गर्म कर लेते हैं, फ्लेम ऑन कर लेते हैं, और इस तरफ कबाब भी हमारे फ्राई हो रहे हैं। अच्छी तरह से इन्हें फ्राई करेंगे। ये देखिए हम हल्का हल्का सा प्रेस करें कि कबाब हमारे अच्छे से अंदर से कुक हो जाएं। तो ये देखिए कबाब हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसमें ये डाल दूँगी प्याज, और फ्लेम इस टाइम हम हाई कर देंगे, ठीक है, और साथ ही टमाटर और हरी मिर्चें हम इस तरह डालेंगे, इस तरह फोक से अपने इस तरह निशान लगा देंगे। चलें तो ये देखिए कबाब हमारे रेडी है। फ्लेम को ऑफ करते हैं और सिज़लर को रखते हैं। तो तैयार है ईद दावत स्पेशल में चिकन सिज़लर कबाब। तो यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बिरयानी तो मैंने आपको काफ़ी बनाना सिखाई, आप सर्च कर लें किचन विद बिरयानी बाय किचन विद आमना, आपको बहुत सारी बिरयानीज मिल जाएंगी और मीठा भी बेहद मिल जाएगा, और कबाब भी आप ये ट्राई करें तो आप अपने दावत में शामिल करें तो आपके मेहमान खुश हो जाएंगे। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इस वीडियो को नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको ये ईद पे चिकन सिज़लर कबाब की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, और इस बटन पे क्लिक करके किचन दामना चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस बटन पर क्लिक करके लाइव दामना चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ वाले बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। अल्लाह हाफिज़।